अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जो शायद इससे पहले आपकी नॉलेज में ना हो। कराची पोर्ट ट्रस्ट का नाम आपने सुना होगा। ये इदारा कराची पोर्ट को जो है डील करता है। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन और जो है इसकी तरक्की और दीगर मामलात इसी इदारे के हवाले हैं। हमने KPT की वेबसाइट पर एक वीडियो जो है वो अपना देखी, जिसमें उन्होंने पोर्ट की तरक्की के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम की हैं। हमें वो देखने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिनका ताल्लुक जो है हॉक्सबे से था। हमने जो है ना अपना उस वीडियो का लिंक जो है अपनी वेबसाइट पर जो है फ्यूचर ऑफ हॉक्सबे के नाम से डाला हुआ है। उस पर जो है ना अपना आप चले जाएँ, उसको क्लिक करके देखें कि हॉक्सबे के हवाले से KPT की क्या राय है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.ahmedhawksbay.com पर चले जाइए। उस पर जो है ना अपना एक वीडियो पड़ी हुई है फ्यूचर ऑफ हॉक्सबे के हवाले से, उसको क्लिक करके देखिए कि हॉक्सबे के हवाले से जो है अपना KPT क्या कर रही है और उसके मुस्तकबिल पे जो है एक मुस्तकबिल में जो है हॉक्सबे पर क्या असरात जो है अपना पड़ेंगे। जो मोटी मोटी बात है उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। कराची पोर्ट अथॉरिटी ने जो है ना अपना पोर्ट की एक्सपेंशन के सिलसिले में जिस जगह पर पहले ऑयल टर्मिनल था उसी के करीब डीप सी पोर्ट जो है वो उन्होंने बनाई है। इस पर बड़े जहाज़ जो है ना लंगर अंदाज हो रहे हैं और इन बड़े जहाज़ों से कंटेनर को खाली करने और लोड करने के लिए बल्क क्वांटिटी में जो है ना सेटअप लगाया गया है, जो एक साथ कई कंटेनर उठाकर जहाज़ से उतार भी देता है और एक साथ कई कंटेनर जहाज़ पे लोड भी कर देता है, जिसके नतीजे में कंटेनरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ जो है उतरेगी भी और यहाँ से लोड भी की जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में जो है कंटेनर्स को जो है ना इन मौजूदा सड़कों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करना अमली तौर पर मुमकिन नहीं होगा। चुनाचे इन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग में एक नए पुल की जो है ना वो बुनियाद जो है ना अपना दिखाई है इस वीडियो में, जो पुल जो है आपकी जो है बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा। 475 या 76 मीटर ऊंचा ये जो है अपना ब्रिज है जिस पे से जो है ना ट्रैफिक गुजरेगा और पानी के बड़े बड़े जहाज़ इस पुल से नीचे जो है ना अपना गुजरेंगे। इस मंसूबे को ये जो है ना पोर्ट ओवरफ्लाई जो है ना अपना कराएंगे और जहाज़ से नीचे से गुजरेंगे, ऊपर जो पुल होगा उससे जो है ना कंटेनर वाले ट्रक जो है वहाँ से गुजरेंगे और जो है ना अपना ये माई कुलाची की बैक पर जो एरिया है उस एरिया पे जो है ना अपना ये इसको जो है ना अपना वहाँ से इसको जो है ना अपना उठाएंगे और फिर ये केमाड़ी की जो है ना पोर्ट का जो चैनल है उससे गुजरता हुआ मनोड़ा के पास जो है ना अपना ये डाउन होगा। मनोड़ा से जो है ना ये सेंसपिट वाला जो रास्ता है इसको जो है ना अपना ये इस्तेमाल करेंगे ट्रक और फिर ये हॉक्सबे में जो है ना दाखिल होने के बाद KDA स्कीम 42 की जो है ना जो दरमियानी रोड है इससे गुजरते हुए जो है ना अपना नार्दर्न बाईपास और फिर उससे मुल्क के दूसरे हिस्सों को जो है ना अपना जाएंगे। दरमियान में जो है ना अपना ये एक जो है ना कार्गो विलेज का भी जो है ना अपना नक्शे में जो है ना जिक्र करते हैं, जिसकी जगह के अभी तक जो है ना वाज़े तायुन नहीं है, लेकिन ये कि किसी एक जगह पर यहाँ जो है ना ये टाउन ये जो है ना कार्गो हैंडलिंग सिटी भी जो है ना अपना बनना है। अगर ये सारे मंसूबे जो है ना अपना बन जाते हैं तो उसके बाद जो है ना अपना हॉक्सबे की रौनक और हॉक्सबे में कीमतों का जो है ना अपना बड़ा फ़र्क आ जाएगा मौजूदा रेट से। मैं जो है ना अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक दफ़ा दोबारा जो है ना दोहराना चाहता हूँ कि जो है ना आप www.ahmedhawksbay.com पर जो है ना अपना चले जाएं। ऊपर से सेकंड वीडियो जो है वो फ्यूचर ऑफ जो है ना हॉक्सबे के नाम से डाली हुई है। ये KPT की जो है ना अपना बनाई हुई जो है ना अपना वीडियो है, इसको हम बराह रास्त जो है ना अपना टेलीकास्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये उन्हीं के जो है ना अपना रेफरेंस से उन्हीं उसी जगह से प्ले होगी जहां वो डाली गई है, लेकिन आप इसको हमारी वेबसाइट से जो है ना अपना क्लिक करके देख सकते हैं। उसको देखिए और उससे जो है ना आपको अंदाज़ा होगा कि जो है ना हॉक्सबे का फ्यूचर आगे चलकर क्या बनने वाला है। शुक्रिया।